नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने इस चैनल के अंदर और इस अपडेट के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 31 अगस्त 2020 इज द ड्यू डेट फॉर मेनी मेनी जीएसटी रिटर्न्स एंड कंप्लायंसेस ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन वाज देयर इन द 20th ऑफ मार्च 2020। उस वक्त गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी किया था 35/2020 के अंदर कि अगर आपके कोई भी कंप्लायंसेस 20 मार्च 2020, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 के बीच में अगर फॉल हो रहे हैं आपके कंप्लायंसेस, तो उनकी ड्यू डेट को हमने बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दिया है। फर्दर एक नोटिफिकेशन अगेन आया, नोटिफिकेशन 55/2020, जिसके अंदर यह बताया गया कि अगर आपकी कोई भी कंप्लायंसेस, टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंसेस इन केस अगर आपके कोई भी कंप्लायंसेस 20th ऑफ मार्च 2020 से लेकर के 30th ऑफ अगस्त 2020 के बीच में अगर आ रहे हैं, उन सब की ड्यू डेट को हमने एक्सटेंड कर दिया है, जो अब ड्यू डेट 31st ऑफ अगस्त 2020 हो चुकी है। हम इस लास्ट डे पे बैठे हैं और इस लास्ट डेट पे डिस्कस करना चाहेंगे कि ऐसी कौन से कंप्लायंसेस और ऐसे कौन सी जीएसटी रिटर्न्स है जिसकी ड्यू डेट आज फिनिश होने वाली है। फर्दर अगर मैं इस डेट को क्रॉस करता हूं, there is a heavy amount of the late fee, interest and penalty. सबसे पहली चीज, अगर आपने अपना refund apply नहीं किया है, RFD1 online 2017-18 period का, तो tomorrow और today, जो भी आप कहें, 31st of August is the due date right now. 31st of August 2020 is the due date 2017-18 के period की अगर मैं बताना चाहूंगा, 2017-18 पीरियड की अगर आप रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं या कोई भी केसेस में अगर आप अपना रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं, 31 मार्च 2020 वाज द ड्यू डेट थी, बट अब उस डेट को बढ़ा करके 30 जून कर दिया था, अब उस डेट को बढ़ा करके सरकार ने 31 अगस्त 2020 कर दिया है। 31 अगस्त 2020 रिफंड के लिए 2017-18 पीरियड की लास्ट टू लास्ट ड्यू डेट क्रॉस होने वाली है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। साथ के साथ LUD अगर आपने अप्लाई नहीं किया है 2020-21 पीरियड का, तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं 31 अगस्त 2020 से पहले। साथ के साथ CMP 04, अगर मैं विड्रॉल करता हूं कंपोजिशन स्कीम से, तो CMP 04 की ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 है। सिमिलरली बहुत सारे GST रिटर्न्स है, जैसे कि GSTR 5 जो नॉन रेजिडेंट के लिए है, GSTR 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, GSTR 7 जो एक TDS ऑपरेटर, जो एक TDS डिडक्टर है उनके लिए है, और GSTR 8 जिनको मंथली TCS डिडक्ट करना होता है और अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन सबकी ड्यू डेट को सरकार ने 31 अगस्त 2020 कर दिया है। अब ये ड्यू डेट आगे बढ़ेगी, ये हमें 31 अगस्त 2020 के नाइट में पता लगेगा, अगर सरकार की मंशा होगी और टैक्स लाखों लोगों की, टैक्स पेयर की अगर कोई भी इस केसेस में रिप्रेजेंटेशन कर गई होगी, तो अगर बढ़ती है तब देखा जाएगा। फिलहाल 31 अगस्त 2020 इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ दिस कंप्लेंट। फर्दर मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी नोटिस, कोई भी अपील, कोई भी रेक्टिफिकेशन, चाहे वो ऑफिसर की तरफ से हो, चाहे वो टैक्स पेयर की तरफ से हो, ऑफिसर की तरफ से ऑर्डर देना हो, नोटिस देना हो, या और एसएससी की तरफ से, टैक्स पेयर की तरफ से, टैक्स पेयर कहेंगे जीएसटी के अंदर, टैक्स पेयर की तरफ से अगर कोई भी अपील का जवाब देना हो, नोटिस की क्लेरिफिकेशन देनी हो, कोई भी कंप्लायंसेस करना हो, इन सबकी ड्यू डेट को नोटिफिकेशन 55/2020 के तहत 31 अगस्त 2020 कर दिया था, अब ये ड्यू डेट क्रॉस होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, सिस्टमेटिकली वे में, जैसे कोरोना काल से पहले जो चीजें चला करती थी, उसी तरीके से जो टाइम लिमिट ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब है एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर, एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक रूल्स के अंदर, उसी डेट को, उसी डेज को और उसी टाइम लिमिट को हमें फॉलो करना है 31 अगस्त 2020 से पहले, और 31 अगस्त 2020 के बाद बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन आपकी हो जाएगी। जो भी टाइम लिमिट, चाहे वो 30 डेज हो, 7 डेज हो, रेक्टिफिकेशन की, क्लेरिफिकेशन की, वो ऑल टुगेदर अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 31st ऑफ अगस्त 2020 से इन सब फॉर्म्स, जीएसटी रिटर्न्स और एप्लीकेशन आपकी टाइम से फाइल हो, कोई भी आपके क्लाइंट आपकी या आपको इस केसेस में सफर ना होना पड़े, इसलिए ये एक मार्गदर्शन है हमारी तरफ से इस चैनल के माध्यम से। अगर आपके कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड, फर्दर जीएसटी से रिलेटेड,
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. वी विल रेडी टू सॉल्व योर क्वेरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ.